Welcome to my dream recipes. The exotic is made easy. And I start with my Thai curry. And also, I want to show you how to make the Thai curry paste right in your house. You don't need to buy expensive bottled Thai curry paste. It's right here. All you ever need to make your own Thai curry paste. Right? So I shall show you. I shall introduce you to all the ingredients that you would ever need to make your Thai curry paste in your house, tasty, healthy, economical. Can't get better than that, right? So, we start off with, because it's a very, very chilly Thai curry paste we're talking about. So, are you familiar with these? These are your red chilies. They need to be soaked in some warm water for about 10 minutes because this stock is going to be used for making the paste, which I'll demonstrate to you. Now, I have written a lot about these kaffi lime leaves in my recipes. You must be wondering what this is exactly how it looks like. These are lime leaves, neem ka patta, but it's extensively used in the Thai cuisine. Of course, our good old garlic, you're familiar with, the black peppercorns. There is this cumin powder you're totally familiar with. This now is something which is looking very different to you, but this is just called galangal. It comes from the family of gingers. This is what it looks like, and it is readily is available in all supermarkets. What you may or may not find is this. Now, what exactly is this? These are pandana leaves. Have you ever heard about them? But I've written about one of them in one of my recipes. This is a very fragrant leaf which is very well found in the Thai cuisine. If you flavor your rice with this particular leaf, this one single leaf, it's going to emit such beautiful aroma. You've got to be totally ready for it. This is, of course, lemongrass. आपकी हरी चाय लेकिन उसका जो रूट पार्ट है इसको बैश किया जाएगा इसको चॉप किया जाएगा एंड इट एमिट्स अ ब्यूटीफुल फ्लेवर टू द होल रेसिपी दीज हियर आर योर बेजल लीव्स स्वीट बेजल एज यू कॉल इट आपका तुलसी लेकिन थोड़ा सा थाई स्वीट बेजल वेरी इजीली अवेलेबल इन ऑल द सुपरमार्केट्स दिस इज कोरिएंडर पाउडर And अब आप सोचेंगे ये मैं क्या यूज कर रही हूँ ये है कोरिएंडर आप हरा धनिया लेते हैं उसकी डंडी लेके फेंक देते हैं प्लीज डोंट डू दैट दिस इज वॉट इज गोइंग टू गिव ऑल द फ्लेवर टू दिस थाई करी पेस्ट हियर दिस इज द रूट एंड आई एम गोइंग टू यूज दैट और ये तो आपका गुड ओल्ड अनियन शैलेट्स भी यूज किए जाते हैं वहां पे शैलेट्स होते हैं एक बहुत छोटा सा प्याज जो थोड़ा शार्प फ्लेवर का होता है लेकिन ये हमारा गुड ओल्ड कांदा इन आर मुंबई इज जस्ट गुड एनफ एंड ऑफ कोर्स नमक नमक के बगैर जिंदगी अधूरी है मेरा पेस्ट अधूरा है सो आई शैल यूज दैट अब मैं आपको बतलाऊंगी कि इसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे और उसे सब एक ब्लेंडर में डाला जाएगा और हमारा पेस्ट बनाया जाएगा ओके सो हियर इट इज चलो वी विल स्टार्ट नाउ Start with the onion. इसे हमें roughly chop करना है after all it's going to get blended. So इसे कोई बारीक काटने की जरूरत नहीं है And then it'll go into the blender. और ये फिर तीखी तीखी मिर्चें दिस टाइम ब्रेक इन टू डंक इट अब इसका क्या करें बहुत आसान है इसे हम बैश करेंगे इसे क्या होता है उसकी पूरी फ्लेवरिंग आ जाती है बाहर तो हम इसे बैक ऑफ द नाइफ से थोड़ा सा बैश करेंगे ऑलरेडी स्मेल इट और इसे ऐसे स्लाइस करेंगे ये है आपका लेमन ग्रास
और ये बहुत थाई करी में यूज किया जाता है हर तरह की थाई रेसिपीज में ये आपको दिखेगा गलंगल और लेमन ग्रास इसके बगैर कोई थाई करी पेस्ट पूरी नहीं है इतना बहुत हो गया बिकॉज ये मेरा पूरा किचन अभी महक रहा है इससे इतना सा बहुत हो गया और ये है आपका स्वीट बेजल इसे कभी भी छुरी मत लगाइए इट मेक्स इट लुक ब्लैक एंड इट टर्न्स रियली बैड एंड रैंसिड सो नेवर एवर यूज द नाइफ व्हेन यू यूजिंग स्वीट बेजल हाथ से तोड़ा और डाल दिया और ये जो हमारा पंडाना लीव्स लवली इसे बस ऐसे तोड़ा और अंदर गया दैट्स इट ये आपके गार्लिक इसे थोड़ा सा हम चॉप करते हैं आफ्टर ऑल हमें गार्लिक नहीं चाहिए कि मलमू में आए सो वी शुड चॉप इट जस्ट वेरी रफली एंड वी डक इट इन अच्छा अभी आई बारी ये हमारी काफी लाइम्स ये बहुत बिटर होते हैं इनमें एक तरह का कौड़ापन होता है विच इज व्हाट यू फाइंड जब आप काफिर लाइम लीव्स को कभी भी किसी भी खाने में डालेंगे तो एक थोड़ा कौड़ापन आएगा पर वो शार्पनेस इसमें बहुत अच्छी होती है इसीलिए मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि इसे कैसे काटा जाता है जस्ट रोल द लीव्स टुगेदर एंड जस्ट स्लिवर देम ये आपने देखा बस इसको हल्का सा आपने काटा इसके लंबे लंबे लीव्स डाले और ये भी आपका इनटू द ब्लेंडर राइट हाँ हरा धनिया फेंक देते थे हम लोग कितनी गलती करते हैं इसे इस्तेमाल कीजिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको एक तरह का धनिये का इतना स्वाद शायद कभी भी नहीं मिला होगा प्लीज ट्राई करिए और कभी इसे मत फेंकिए इसे ऐसे तोड़िए और इसको उसमें डाल दीजिए तीखा है तो हम डालेंगे हमारी ये काली मिर्च और अब ये गलंगल आपका जिंजर अगर जहां भी गलंगल नहीं मिल रहा तो नो प्रॉब्लम यूज अदरक इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये ऑथेंटिक है ऑथेंटिक रेसिपी है और आजकल हर जगह आपको ये मिलता है तो इसे बस पील करते हैं जैसे आप अपना अदरक को पील करते हैं इसका जरा टेस्ट जो है अदरक से थोड़ा ज्यादा शार्प है दैट्स अबाउट इट बाकी इस जस्ट फ्रॉम द सेम फैमिली तो फर्क नहीं लगता पर मिले तो प्लीज प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज यूज गलंगल एंड डोंट यूज अदरक इफ यू कैन वरना मैं हमेशा आपको मेरे हर रेसिपी में ऑप्शंस दूंगी जो हेल्दी होगी इकोनॉमिकल होगी और हम उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे ऐसे छीला ताकि ये सारा जो ऊपर का जो स्किन है वो निकल गया और हमें इसका बहुत थोड़ा सा भाग चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत स्ट्रांग होता है अपने फ्लेवर में और हमें ये नहीं चाहिए कि बस सिर्फ गलंगल का ही स्वाद आए हर चीज का एक बैलेंस चाहिए तो करीब दिस शुड बी अबाउट हाफ एन इंच एंड दैट्स गुड एनफ और ये सब गलंगल अभी ये अंदर जाएगा This is your cumin powder, jeera powder, just about a teaspoon of that. Coriander powder, a teaspoon of that too. And only half teaspoon salt, please. Don't increase this quantity ever. All that I've shown you, half teaspoon of salt is just good enough. ब्लेंड करना है तो मॉइस्चर तो चाहिए तो ये था हमारा पानी जिसमें सारी लाल मिर्चियां सोख थी तो
इसका करीब 2 टेबलस्पून इस पेस्ट के लिए इनफ होगा और अब क्या रह गया ब्लेंड एंड ब्लेंड दैट्स अबाउट इट मुश्किल था बिल्कुल भी नहीं यू वांट टू सी हाउ इट लुक्स लाइक ओके दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक डज इट लुक गुड ओके My next recipe, the same paste is going to be used and I shall make chicken Thai curry. Simple, exotic, totally made easy. Right on.